कब से पल्लवी को फोन मिला रही हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। ओह। आप सुनिए ना, ये दिए अपने रूम में भी रख दीजिए ना प्लीज। जलन हो रही है। और अंधेरे में इतनी दवाई कहाँ से ढूंढे? मैं टूथपेस्ट लेकर आती हूँ, उससे जलन थोड़ी कम होगी। इतना कुछ हो गया यहाँ और इस पल्लवी का कुछ अता पता नहीं। ये तो मान ही नहीं रही है, अब क्या करूं मैं? अभी नहीं बेटा, बहुत सारी डेटा एंट्री है, फाइल अरेंज करनी है बहुत सारी, पता नहीं कैसे पहुंचूंगी 10 बजे तक। काम खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसे पहुंचूंगी अपने पोते और बेटे से मिलने के लिए? पहली होली है पोते की और हम यहाँ फाइल के बीच में दबे हुए हैं। मैडम कहाँ आ रही है? अंदर आ जाइए, मैंने कहा था ना होली के बाद आइए बिल बनने के लिए। मैम ये फॉर्मेट गड़बड़ है, अगर ऐसे डेटा एंट्री करेगी तो 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगा। लाइए मुझे दिखाइए। सॉरी, वो मैंने आपकी फोन पे बात सुन ली थी तो आपको देख के मुझे अपने पापा की याद आ गई। जब वो हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे ना त्योहार वाले दिन, वो भी आप ही की तरह अपसेट हो जाते थे। लीजिए मैम, हो गया। लो बेटा, तुम्हारा बिल भी हो गया। थैंक यू सो मच मैम, अगर आज आप बिल नहीं भरती ना तो हमें अंधेरे में होली मनानी पड़ती। आज लास्ट डेट थी, आज बिजली कट जाती। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी हेल्प की तो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं, बस आगे के लिए ध्यान रखो। हम ऐसे ही बिजली नहीं काटते, पहले फाइन लगेगा, हम आपको नोटिस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपको फोन पर कि बिल भर दीजिए, उसके बाद भी अगर बिल नहीं भरा गया तब काटी जाती है लाइन। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी और ऐसी नौबत कभी आने ही नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू टू। चलो एटलीस्ट ये तो हुआ, अब लाइट जाने की कोई टेंशन नहीं। अरे बहू। हाँ हाँ आई। हाँ बहू, ये होलिका दहन के लिए हम गोबर के उपले लेकर आए हैं, इन्हें अच्छी तरह से थाल में सजा लो। और हाँ, तुम्हारे वो व्यंजन पकवान वगैरह, गुजिया गुजिया, वो सब तैयार हो गई ना? वो बना ही रही हूँ बापूजी। अच्छा, थोड़ा सा पानी पिला देना हमें। हाँ अभी लेके आती हूँ। ले लीजिए बापूजी। कमाल है बहू, तुम्हें इन सूखे ओपलों से बदबू आ रही है। अरे जब वरुण तुम्हारी सास के पेट में था ना
तो तुम्हारी सास होलिका दहन की पूजा के लिए अपने हाथों से गोबर के उपले बनाया करती थी और उन्हें सुखाया भी करती थी। तुम्हें ना जाने कितनी बदबू आ रही है। मैं इसे पूजा के थाल में रखती हूँ। अरे बहू क्या कर रही हो, जल्दी करो, पूजा का वक्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ। ओ बहू कितना टाइम। अरे ये क्या, तुम्हें ढंग से गुजिया बंद करनी नहीं आती। अरे भाई तुम घर की बहू हो, इन सब कामों में तुम्हें निपुण होना चाहिए ना। अब हर साल तो इस अवसर पर हम होते नहीं है, तो तुम क्या करती हो और इतने दिनों तक तुम अपने मायके में क्या करती रही? वो पापा और पल्लवी बना लेते थे। ओ अच्छा, तो अब हमें गुजिया के लिए तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाना पड़ेगा है ना, या फिर तुम्हारी बहन पल्लवी के घर से लाना पड़ेगा। अरे इससे पहले मोहल्ले वाले बुलाने के लिए आ जाए, कुछ करो, इनको बनाओ ठीक से। लो, लगता है मोहल्ले वाले आ गए बुलाने के लिए। अब तुम ही जाओ, जाके जवाब दो उनकी बातों का, हम तो यही रहेंगे। हाँ। Yes? मैम आपके लिए एक पार्सल था। थैंक यू। हैप्पी होली दीपिका दी, ये होली की स्पेशल थाली आपके लिए होली का दहन के ओकेशन पर। अरे वाह, ये किसने भेजा? पल्लू ने भेजा है। चलो ये अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी पल्लवी की थाल हमारे काम तो आ गई। लो इसे पकड़ो और इसे अच्छी तरह थाल में सजा के तुम भी फौरन नीचे आ जाओ। हाँ ये, अरे बेटा तुम भी आ जाओ ना, होली का पूजा करने जा रहे हैं। और सुरेश जी को भी कह दो, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। जी मैं बुलाती, आप लोग चलिए हम आते हैं। आप ठीक लग रहा है? हाँ अभी जलन काफी कम है। नहीं नहीं फिर भी सुबह ना मैं मेडिकल में जाके मरहम ले ही आता हूँ। इतना अंधेरा क्यों है? मम्मी जी, मम्मी जी लाइट क्यों चली गई है? और आप लोग ऐसे, ये क्या, मुझे क्या हो गया? हाथ मत लगाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिजली का बिल ना भरने की वजह से लाइट चली गई। नहीं मम्मी जी, मैंने बिजली का बिल भर दिया है। तो ऐवे ही चली गई लाइट, देर से भरा होगा तुमने, तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कभी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटते मम्मी जी। वापस डाल देती हूँ फ्यूज, नहीं तो पकड़ी जाऊंगी मैं। पल्लवी ज्यादा बातें मत बनाओ मेरे सामने, 100 बात की एक बात, त्योहार के दिन मेरे घर में लाइट नहीं है, इनका हाथ जल गया, पूरे घर में आग लग सकती थी। त्योहार के दिन इतना बड़ा अपशगुन हो सकता था और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अपर्णा अब लाइट आ गई है ना, छोड़ो ये बहस करना, क्यों बेकार की बातें कर रही हो, चल चल के होलिका की पूजा की तैयारी करो। पल्लवी बेटा जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे मामूली सा जख्म है, ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। मामूली सी बात, आपका हाथ जल गया है, घर में आग लग सकती थी, ऐसे ही जाने दो, मुझे दिख रहा है इस लड़की की जिद इस घर में क्या क्या करवा रही है। मैं बता रही हूँ ये जरूर अपने मायके गई होगी, इसकी वजह से बिल भरने में लेट हो गई होगी। क्यों पल्लवी, गई थी ना अपने पापा से मिलने, मना किया था ना,
किया सीधा घर में आना, त्योहार है, कल तो सबसे मिलने ही वाली हूँ। मना किया था ना पल्लवी? हाँ मम्मी जी, आपने मना किया था, पर पापा को प्रॉब्लम में देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई। सुना आपने कहा था ना, मैंने हर बार कोई ना कोई मुसीबत ढूंढ ही लेते हैं तुम्हारे पापा। समझ में नहीं आता कि तुम उनकी बेटी हो या फिर उनकी माँ हो। अपने आप से बंदा जी ही नहीं सकता। अरे शादी की क्यों तुम्हारी, अपने घर में ही रखते। दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है। अरे बेटी की पहली होली है, ये तो सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, जयदेव जी को तो सिर्फ मुसीबत में पड़ना आता है। अरे शर्मा जी, अरे होलिका दहन में नहीं आएंगे आप? आप भी आ जाइए शर्मा जी, तब तक हम लोग तैयारी करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग शुरू हो जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है। ये जमीन गवर्नमेंट की है और आपने गवर्नमेंट की जमीन हमको बेच दी? ये है आपकी ईमानदारी धोखेबाज? अरे जरा अपनी उम्र तो देखो, और ये सब कारनामे? फ्रॉड आदमी के साथ क्यों काम कर रहे हैं? इसी ने फ्रॉड तरीके से जमीन बेची होगी इन लोगों को और आपको बसा रहा है। पप्पी जी का वॉइस नोट। अंकल जी टेंशन मत लेना किसी भी टाइप की, पप्पी मेरा है, सब ठीक कर देगा सब। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, इस डील के बाद आप बहुत फेमस हो जाओगे, ट्रस्ट मी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन पापा को कोई शौक नहीं है मुसीबत में पड़ने का, अकेले है वो, सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हैं, मुझसे शेयर तक नहीं करते। मैंने उन्हें प्रॉब्लम में देख लिया तो मैं क्या करती? एक बेटी होने के नाते छोड़ देती उन्हें अकेला? हाँ तो जाके रहो ना अपने पापा के पास ही, तुम्हारी मुसीबत भी खत्म, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व। ये हुई ना सास बहू में फूट, बहुत देर से हम साथ साथ खेल रहे थे ना, इनका रोज का ड्रामा खत्म ही नहीं होता। अपर्णा, अरे क्या गलत बोल रही है पल्लवी? बिजली का बिल उसने भर दिया, अपने पापा से मिल ली, अगर वो परेशानी में थे तो उनसे पहाड़ टूट गया। तुम क्यों बेवजह उस पर गुस्सा हो रही हो? तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारे भी पापा है, उसके भी है। बेशक मेरे पापा थे, हूँ मैं भी किसी के घर की बेटी, लेकिन अब मेरा घर ये है और शादी के बाद मैंने हमेशा अपने ससुराल पे फोकस किया। इसका तो एक पैर अभी भी इसके पापा के पास अटका हुआ है। मम्मी जी, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गई थी ना, मेरे पापा से लड़के आ गई थी ना यहाँ वापस। देखो वैसे तो इस सब से अब मेरा कुछ लेना देना है नहीं, मगर पड़ोसी होने के नाते कुछ कहना चाहूंगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने बाप को यहाँ क्यों नहीं लेकर आती? नहीं, मुझे पता है क्या करना है, जाओ जाके रहो वहीं अपने मायके में, ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा तो खत्म होगा। चलो भाभी। क्या भाभी? मम्मी जी प्लीज, कहीं नहीं जा रही मैं, प्रॉब्लम मेरी सोच में नहीं है, प्रॉब्लम आपको है मुझसे। मैं जब से इस घर में आई हूं ना, आपने मेरी हर बात में सिर्फ प्रॉब्लम ही निकाली है, हर दिन हर रोज जान निकाल के रख दी मैंने अपनी, लेकिन आपको कभी दिखाई नहीं देता। इतनी ईमानदारी से अपना हर रिश्ता निभा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं भर रहा। ये मेरा भी घर है मम्मी जी, अपना समझ के रहती हूँ यहाँ। आपको पता है इशू क्या है? इशू ये है कि आपने मुझे अपनाया ही नहीं। टेस्ट बाहर वालों का होता है मम्मी जी, घर वालों का नहीं। और मैं जब से इस घर में आई हूँ ना,
सिर्फ टेस्ट ही दे रही हूँ। पल्लवी, आकाश, व्हाट इज दिस? कैसे बात कर रही हो तुम मॉम से? और माँ आप भी, आप रोज रोज थकती नहीं है क्या? जब देखो वही सेम कहानी लेकर बैठ जाती है। पल्लवी और कितना कुछ कर रहा है आपको खुश करने के लिए? तो कैसे बात कर रहा है मुझसे आकाश? कैसे बात कर रहा है? बीवी की साइड ले रहा है? हे भगवान, माँ मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि जब दिन भर सर खपा के घर लौटता हूँ ना, तो यहाँ पर अलग ही नाटक चल रहा होता है, वो भी रोज। माँ त्योहार का दिन है, कम से कम आज तो क्लेश मत करो। माँ मैं ना मैं थक गया हूँ यार, बहुत हो गया है, मेरा मन ही नहीं करता घर वापिस आने का। मैं कर रही हूँ क्लेश, मैं कर रही हूँ आकाश। आकाश आज तो डिसाइड कर, तो चूज कर, तुझे अपनी माँ के साथ रहना है या फिर अपनी बीवी के साथ? बोल आकाश, माँ या बीवी? अरे क्या बोलू मैं, क्या बकवास है यार ये, क्या मजाक चल रहा है क्या? क्या कोई हम खेल चल रहे हैं, सीरियस है, नाटक है क्या? व्हाट? आवाज नीचे और फैसला कर, माँ या बीवी? आपको फैसला सुनना है ना, कि मैं आप में से किसी एक को चुनूं, तो ठीक है फिर काम करो, आप दोनों सास बहू साथ में रहो या अलग अलग, मैं आज ये घर छोड़ के जा रहा हूं। आकाश, अरे आकाश, आकाश I'm sorry, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो प्लीज ऐसा मत बोलो। Enough! आप सबको मेरा डिसीजन सुनना था ना, सुना दिया मैंने अपना डिसीजन। आकाश सुना मेरे, आकाश, अरे ये क्या? अब दीदी को समझ में आएगा घर का टूटना क्या होता है। मिल गया सुकून, हो गई शांति, कर दिया मेरे बेटे को मुझसे दूर। आज त्योहार के दिन मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। अपर्णा, सब तुम्हारी गलती है, पल्लवी को क्यों दोष दे रहे? अरे मैं कब से बोल रहा हूँ छोटी सी बातें खत्म करो, त्योहार का दिन है त्योहार मनाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम तो हर बात के लिए पल्लवी का गला काटने के लिए तैयार रहती हो। ठीक है फिर मनाइए होली अपनी बहू के साथ। ये लड़का भी ना मतलब इतना बड़ा हो गया, फिर भी ना सोच है ना समझ है, गुस्सा तो नाक पे बैठा हुआ है इसके, कहाँ घूम रहा होगा होली का दहन की रात को बाहर। अब मिली राहत, तब से एसिडिटी हो रही थी, सास बहू मिलके एक टीम हो रहे थे ना, तब टूटा ना इनका परिवार। कहाँ गया होगा, कहाँ जा सकता है आकाश? रहना या फिर अपनी बीवी के साथ? बोल आकाश, माँ या बीवी? माँ
मेरा गलती है पल्लवी। तुम गलत सवाल पूछ रहे हो आकाश। क्या गलती है हमारी? पल्लवी मैं ना थक गया हूँ यार, मैं कसम से थक गया हूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तुम्हें मानने नहीं दे रहा है कि गलती ना आकाश की है ना पल्लवी की, गलती तुम्हारी है अपर्णा। बंद करो इतना घुसना अपने बेटे की जिंदगी में, बड़ा हो गया है वो, पत्नी है उसकी, अपनी जिंदगी है। अब वो तुम्हारे पल्लू से बंधा हुआ मम्मी मम्मी करता हुआ नहीं घूम सकता, और अगर वो ऐसा करता हुआ घूमता है तो समझो हमारी परवरिश में गलती थी। पल्लवी अगर उसे प्यार करता हूं इसलिए हमने शादी की, मैं दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के परिवार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफर हम ही कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्या करना चाहिए हमें कि पता पल्लवी, एक टिपिकल मर्द की तरह बोल दूं तुमको कि आज के बाद तुम अपने मायके के बारे में कोई बात नहीं करोगी, उनका नाम नहीं लोगी, और तुम वो चाचे के टिपिकल बहू की तरह कि मुझे मेरी सास से, मेरे ससुराल से कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया ना पल्लवी, हम दोनों ने जब से शादी की है सिर्फ निभाई रहे हैं, कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस आंगन कभी उस आंगन, लेकिन आंख फट गया है यार। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे बताओ। कैसी बातें कर रही हुई, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ कि तुमने कुछ गलत किया, जबकि तुमने क्या कुछ नहीं किया, सबके लिए, अपने पापा से लड़के आगे, वो भी हमारे लिए। हम दोनों बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेकिन हमें हर जगह से हार ही मिल रही है, हमें हर जगह से चोट ही मिल रही है। हम बस आकाश, रिश्तों की डोर जब बहुत कमजोर हो जाए और एक बार टूट जाए ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.